हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्यूटर एंड मेंटोर। आज हम जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल नंबर्स। दैट इज वेरी इजी, वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेथड्स। हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड नंबर वन एंड मेथड नंबर टू। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो मेरी, दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल इनटू बाइनरी, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप मेरी वो वीडियो देखें फिर आप ये वीडियो देखें ताकि आपको ये आसानी समझ में आ सके। खैर, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ली हुई है विच वॉज 117 जो कि डेसिमल नंबर्स में मौजूद है। मैंने लास्ट वीडियो में इसी नंबर को कन्वर्ट किया था बाइनरी में एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ऑक्टल मींस 8, तो हम लोग 8 यानी 0 से लेकर 7 तक कोड्स को नंबर्स को यूज कर सकते हैं टू जनरेट अ कोड। ओके, दैट इज वेरी इजी, वेरी बेसिक। मैंने फर्स्ट वीडियो में इस प्लेलिस्ट की उसको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जाकर वो देखिएगा जरूर। खैर, तो अगर हमें इस नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो द फर्स्ट मेथड विच इज वेरी इजी, तो हमें इसको इसका एलसीएम लेना है। किससे? जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ऑक्टल में कर रहे हैं तो 8 से, बाइनरी में कर रहे हैं तो 2 से, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 से इसका एलसीएम लेना है। थोड़ा चेंज होगा एलसीएम में, किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। For example, the LCM of 117 by 8, it will be 14. But how? हमें पता है कि 117 is not divisible, exactly divisible by 8. So, what we are going to do? We are going to adopt another technique. We are going to adopt another technique कि हम इसके करीब से करीब तर जाएंगे. We are going to get nearer to this, and whatever the term will be left will be written here. For example, 8 into 14 is 112. So now we are going to write 14 here, and what is left in between 117 and 114, 112? It is 5. So we wrote 14 and 5. 8 into 14 is 112 plus 5 is 170. Same as it is, 8 ones are 8 and plus 6 is 14. Okay, so this is how we can just take the LCM of 117 by 8 to convert it into octal number. Iska code agar hum janna chahe, so we can go just write this way. So the code will be 1, I'm going to write it somewhere else here, okay, because we are going to solve using second method there. So it is 1, 6, 5, to the base 8 basically. This is the answer. This is the conversion of this decimal number into octal numbers. Oh, sorry, decimal numbers into octal number. Yes. Now the second method is, if you have watched my last video, I have in depth explained that how this chain is formed, and we in last video we converted this number into binary code, which was something like this. ठीक है? हमने लास्ट वीडियो में इस कोड को कन्वर्ट किया था बाइनरी कोड में, जो कि कुछ इस तरह का दिखता था, विच वॉज 1110101। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फॉर्म पेयर्स, बेसिकली नॉट इवन पेयर, पेयर्स ऑफ थ्री थ्री एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। What about the third one? Third one just has one element. So we are going to add 0 and 0, which will not affect and which will not affect the results. चूंकि मैंने आपको explain किया था कि one matters. One का मतलब yes we have accepted that value and 0 means we have not accepted that value. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये binary code था, हमने तीन तीन के जो है वो यहाँ पर combinations बना लिए। हमें कंपेयरसिव इनसे करना है दीज थ्री वैल्यूज। ओके, कंपेयरसिव इन तीन से करना है, 4, 2 और 1। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एलिमेंट 5 किस तरह आता है, 1 and 1, 1 मींस यस वी आर गोइंग टू यूज दिस, 0 मींस वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, 2
and 1 means yes we are going to use this 4. So the first element is 4 plus 1. Okay. Now the second one. Again comparing with this combination 4, 2 and 1. 0 means no. So we are not going to use this 1. Okay. 1 means yes. So we are going to use this 2. So 2. And 1 means again it is a yes. So we are going to use this 4. And for the third one, again comparing with the same combination, adding 1, it is a yes for 1, so it is 1, and no for the 2, and again no for the 4. So this is the code basically, the first element of the code, the second element of the code, and the third element of the code. It was very easy, very understandable basically. So the first element will be 1, the second one will be 2 plus 4 which is 6. And the third one will be 4 plus 1 which is 5. So this was the conversion of this decimal number into octal numbers basically. By using these two different methods. Dono ke dono bahut hi aasan method se hum logo ne in tino pairs. Pehle humne teen ke jo hai wo combination bana liye. Aur usko is hi ek combination se compare kiya. हमें पता है जीरो मतलब कि हमें उस नंबर को यूज नहीं करना और वन का मतलब कि हमें उस नंबर को यूज करना है. अगर आपको इल्म हो तो हम लोग जब गेट्स की बात करते हैं ठीक है सर्किट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्स वाई जेड तो जब भी बाइनरी लैंग्वेज को हम यूज करते हैं जहां पर भी हमारे सवाल का जवाब यस और नो में होता है तो हम लोग उधर कोडिंग में वी यूज जीरो फॉर नो ओके एंड वन फॉर यस या फिर आप कह सकते हैं जीरो फॉर क्लोज and one for the open. So basically यहाँ पर अगर हमारे पास one आ जाता है तो हम बोलते हैं yes we are going to use this number and if we get a zero then we are not going to use this number. तो अगर हम यहाँ पर देखें one था तो हमने इस number को use किया zero था तो को use नहीं किया one था हमने four को use किया first combination zero था one को use नहीं किया one था two को use किया four था तो one था तो four को use किया ठीक है 2 और 4 को हमने यूज कर लिया सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए थर्ड के लिए सिर्फ 1 था फॉर दिस फर्स्ट वैल्यू 0 था 2 के लिए 0 था 4 के लिए तो हमने 4 और 2 दोनों को यूज नहीं किया तो इट वाज 1 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट सेकंड फॉर द सेकंड एलिमेंट वी गॉट 6 एंड थर्ड फॉर वी गेट 5 सो वी हैव कन्वर्टेड दिस 117 व्हिच वाज इन डेसिमल नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर्स यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स दोनों मेथड से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए उन पे अपनी क्वेरीज को कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए इंशाल्लाह ताला अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का थैंक यू अहमद खान साइनिंग ऑफ